पहले भी आपने साथ मीडिया में सर्वे को लेकर जो एक गुमराह करने का काम किया जा रहा है, क्या लग रहा है इससे, यहाँ की जनता को किस तरह बाहर निकालने की आपकी कोशिश है? यहाँ की जनता को बार बार डराया जा रहा है, जैसा कि कोई खिलवाड़ रहता है। इस तरह से 25 तारीख को नोटिस मारा गया और 27 तारीख को सर्वे के लिए आने वाले थे लोग, फिर 27 का सर्वे रोका गया, फिर 27 को शाम को नोटिस लगा गया, फिर 30 तारीख को आज आने वाले थे। तो इस तरह से जनता को डराने धमकाने का ये जो काम चल रहा है, ये इसके पीछे कौन है ये आज तक हमारे सामने आया नहीं। हमें बताया जाता है कि कोर्ट का नोटिस है, कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर निकाला कौन ये भी बताया नहीं जा रहा है। लेकिन हमारे कुछ जानकारी के मुताबिक यहाँ पर विजय कमल प्रॉपर्टी जो 12 साल पहले यहाँ पर एग्रीमेंट किया था 2005 या 6 में, वो उसके पीछे है ऐसा हमें उसका एक संदेह है और उसके माध्यम से ये सर्वे हो रहा है। लेकिन विजय कमल प्रॉपर्टीज ने 12 साल में काम किया नहीं और अभी अगर कोर्ट के माध्यम से हमारे पास आना चाहता है तो विजय कमल प्रॉपर्टीज का अगर ये काम रहेगा तो उसको मैं बताना चाहता हूँ, अगर तुमने यहाँ पर एग्रीमेंट किया था, तुम्हारा अगर हक बनता है तो तुम पब्लिक के बीच में आके तुम्हारा हक क्यों नहीं जताता है? ऐसा चोरी चुपके कोर्ट का सहारा लेके, पुलिस का सहारा लेके जो जनता में दहशत पैदा करना चाहता है, उस दहशत को, उस दहशतगर्दों के दहशत में जनता बिल्कुल आने वाली नहीं। इसका पुरजोर जनता विरोध करेगी, उसके लिए जनता को जो भी आंदोलन करना पड़े हम लोग उस आंदोलन में उतरने के लिए तैयार है।